इस तरह क्या क्या बनाते, क्या इस तरह धागा बनता है? सर धात से बनता है धागा इस तरह, सर टाइम लगता है बहुत ज़्यादा इस धागे बनने में सर। बुलन का, पश्मीने का, अंगोरे का धागा हम ऐसे तकली से बनाते हैं, स्पन करके, हाथ से स्पन करके। तो ये सर्दियों में बहुत गर्म रहता है? सर बहुत ज़्यादा गर्म रहता है ये पीसेस। धागा किस चीज़ का है ये? शिप बुल का सर ये वाला। जी सर, सर जैसे हम आपको पश्मीना, ये सर रॉ पश्मीना, ये होता है लेह लद्दाख में। क्या चीज़ है ये? पश्मीना सर, प्योर पश्मीना रॉ मटेरियल है, लेह लद्दाख से आता है हमारे पास ये। जब सर ये बड़ा कॉस्टली रहता है सर, 5,000 रुपये किलो है रॉ पश्मीना आजकल है। तो एक किलो में कितने बन जाते? जब सर इसकी कार्डिंग की जाती है एक किलो में, तो ये डस्ट निकाला जाता है इसका, ये बाल सारा वेस्ट कर देते हैं हम। और एक किलो में 250 ग्राम रहता है इसका मटेरियल, उसके बाद धागा स्पन किया जाता है सर। क्या विशेषता है इससे? सर जैसे ये जो एनिमल रहता है इसका, गोट होती है, क्या ये रहती है लेह लद्दाख में, जैसे वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर रहता है इसलिए गर्म रहता है ये। जी जब इसकी गोट मतलब जीवित रह सकती है ठंड में, माइनस में, तो ये भी बहुत गर्म होता है पश्मीना।